गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर 11, द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन साउथ इंडिया विद अवर सब टॉपिक एडुकेशन. स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक देयर आर स्कूल्स नाउडेज वेयर यू गेट एडुकेशन, इन द सेम वे टेम्पल्स वर द मेन सेंटर ऑफ एडुकेशन इन द मेडिवल पीरियड of South India. The temples were not only the center of worship but also important center of cultural administration and education center. मंदिरों में पहले सिर्फ पूजा ही नहीं की जाती थी बल्कि वहाँ पर cultural meetings भी होती थी, administration meeting भी होती थी और education भी दी जाती थी. And लाइक योर हॉस्टल्स, जैसे आपके हॉस्टल्स होते हैं विच प्रोवाइड बोर्डिंग एंड लॉडिंग टू द स्टूडेंट, द सेम वे टेम्पल्स एट दैट टाइम हैड एन अटैच मथास विच प्रोवाइड फ्री एडुकेशन बोर्डिंग एंड लॉडिंग टू द स्टूडेंट्स. मतलब रहना, खाना और एजुकेशन वहाँ पर दी जाती थी फ्री. आज के टाइम में तो हॉस्टल्स जो हैं वो चार्ज करते हैं, लेकिन उस टाइम में टेम्पल्स में फ्री एडुकेशन दी जाती थी. At that time, temples were the main center of cultural activities, जैसे fairs और festivals. आज के time में भी आपके जो temples हैं, जैसे अगर हम मथुरा के temple की बात करें तो वहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जाती है. बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में fairs और festivals लगते हैं, ऐसे उस time में भी होता था. And students, Sanskrit was the main language of the scholars. उस टाइम के विद्वान अपनी बुक्स लिखने के लिए संस्कृत का इस्तेमाल करते थे. बट ऑन द अदर साइड तमिल, कन्नड़ एंड तेलुगु लैंग्वेज वर ऑल्सो प्रोग्रेस्ड, वर ऑल्सो यूज बाय द स्कॉलर्स. डू यू नो, देखो, द फेमस सेंट एंड फिलोसोफर ऑफ दिस पीरियड वर शंकराचार्य. शंकराचार्य वॉज द रिलीजियस गुरु ऑफ हिंदूज. एंड रामानुजन was a great mathematician. ठीक है, उस time के philosophers थे, Indian philosopher और mathematician South India के. Okay, next आता है आपका art and architecture. Students, the Chola and the Pandyas, both were great warriors. बहुत बड़े योद्धा थे, but they supported art and architecture also. इसका example मिलता है, they built a number of important temples like the large rock temple at Mahabalipuram and the Kailashnath built in the 8th century. Students, look at the picture. This is your Mahabalipuram temple of South India. Below this, the Kailashnath temple. And this is the Nataraj statue, Lord Shiva. Nataraj statue symbolize the Lord of Dance. इसमें जो ये statue है, ये Shiva की statue है, जो एक कॉस्मिक डांस परफॉर्म कर रहे हैं इसमें. और बहुत सारे साउथ इंडिया के टेंपल्स में नटराज की मूर्ति रखी हुई है, जो डांस का एक सिंबल है. जो लोग डांस करते हैं वो इसको अपना गुरु मानते हैं. ओके, तो एट दैट टाइम द शिवा टेंपल ऑफ तंजोर एंड द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज आर अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्ट. चोला आर्ट के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं ये टेम्पल. एंड लॉट ऑफ मूवीज इन इंडिया used these temples in their shootings. बहुत सारी movies में आपको ये देखने, पुरानी movies में, ठीक है, उन movies में आपको ये temples देखने को मिलेंगी. मतलब इनकी beauty इतनी ज़्यादा है कि इनका इस्तेमाल movies में भी किया गया है. ओके, दिस सिम्बलाइज द चोला आर्ट ऑफ साउथ इंडिया. स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक एडुकेशन and art and architecture. After listening this video, you will read the topic with the help of book and you will find out the question answer of the back exercise. Thank you, student. Have a nice day.